एक एक अदा, एक एक अंदाज बिल्कुल वही है। लगता है खुदा ने वक्त को 17 साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। ये तो बस एक कुदरत का करिश्मा ही लग सकता है। ठहरो। जी। कहाँ जा रही हो? जी, काम पे जा रही हूँ। तो क्या करती हो? यहाँ क्यों आई हो? पहले तुम कहाँ थी और इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? बतौर पनादार तुम्हें लगता नहीं है ये सब जानने का हमें हक है? बेशक, आपने जिन हालात में मुझे पनाह दी है आपको सब कुछ जानने का पूरा पूरा हक है, लेकिन प्लीज इस वक्त मुझे माफी दीजिए, क्योंकि मैं जिस नौकरी के सिलसिले में जम्मू से यहाँ आई हूँ उसका आज पहला दिन है, और पहले ही दिन मैं लेट लती नहीं होना चाहती। ठीक है, इस वक्त तो तुम जा सकती हो, लेकिन शाम को आने के बाद तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ तफसील से बताओगी। उसके बाद अगर मैं मुनासिब समझूंगी तो तुम यहाँ रह सकती हो, वरना एक हफ्ते के भीतर ही तुम्हें अपना कहीं और रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जी, मंजूर है। और हाँ, एक बात और। जी कहिए। और हाँ, मुझे लड़कियों का लड़कों से बेवजह मिलना जुलना, हंसना मजाक करना कतई पसंद नहीं है, ये बात खास ख्याल रहे। आपको किसी शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, ये मैं तुम्हें इसलिए आगाह कर रही हूँ कि वो तीनों लड़के भी यहाँ रहते हैं, उनसे जरा दूरी रहना। अरे बुढ़िया। अच्छा, अब तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। जी। बेटा अली, इन रकीबों के खर्च पर आजा कर ले अपनी महबूबा के दिल में एंट्री। बेटा मजनू चलिया कमबख्त, अली से पंगा लेकर आज से बदलने वाला है तेरा वक्त। आदाब अर्ज है आपा, चौधरी बशीर खान साहब को बड़ा जबरदस्त हार्ट अटैक आया है, आप फौरन उनके घर पहुंच जाइए। इसे कहते हैं एक तीर से कई शिकार। अब रेहाना आपा तो गई चौधरी बशीर साहब के घर और मियां मजनू गए ऊपर, और अब हम छा जाते हैं अजरा के दिलो दिमाग पर। वेलकम। ये क्या है? एक फूल की खिदमत में दूसरा फूल लाया हूँ। ऐसा? ये भी लीजिए। ये भी? जी। मेरे लिए? ओके। चॉकलेट भी? जी। क्या बात है, मुझे तो आप कमाल के शख्स नजर आते हैं। शुक्रिया, इस तारीफ के लिए शुक्रिया। क्या बात है, बड़ी भी घर पर नहीं है क्या? उस खुदा की कुदरत है। आने दीजिए उन्हें, फिर हम बताते हैं कि आपको उनसे
इतनी मोहब्बत है। ये क्या फरमा रही आप मोहतरमा, हम उनसे नहीं तो आपसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा तो यूं ही आपा करते रहते हो, उन्हें मोहब्बत नहीं करते? नहीं, वो माँ बहन वाली मोहब्बत तो करते हैं। तब तो आप मुझसे भी मोहब्बत कर सकते हो। क्या मतलब हो सकता है इसका, ये या वो? खैर छोड़ो। अरे सुनो, मुझे आपसे कुछ कहना है। आपके मतलब का आप और रेहान आपस से रिलेटेड? Bye.